वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनिश कुमार आजाद। और आज मैं लेके आया हूँ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें ये केमिस्ट्री का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हमेशा पूछता है, तो उसको हम लोग जानते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, मतलब क्लोरोफॉर्म का जो खोज हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। तो इसके जो साइंटिस्ट है वो है सिम्पसन। सिम्पसन जो था वो वैज्ञानिक का नाम है सिम्पसन, और इन्होंने ही क्लोरोफॉर्म की खोज की है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। इस तरह से आगे है कि रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता किस रसायन से लगा सकता है। मतलब रसोई गैस जनरली सबको यूज करते हैं, तो उसका जो रिसाव होता है तो उसको आसानी से कैसे पता लगाया जा सकता है। तो इथाइल मर्कप्टेन के द्वारा, इथाइल मर्कप्टेन के द्वारा जो है आप रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगा सकते हैं। इस तरह आगे क्वेश्चन है कि अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्यों। अल्कोहल जो होता है वो पानी से अधिक वाष्पशील होता है, मतलब वोलेटाइल होता है, जल्दी उब जाता है, क्यों हो जाता है भाई। तो अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, पानी से कम होता है। पानी के उसका क्वथनांक कम होने के कारण अल्कोहल जो है पानी के रिस्पेक्ट में जल्दी वेपराइज कर जाता है। फिर आगे है कि एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो एथेनॉल जो है किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो गन्ना शुगर से, शुगर कैन जिसको बोलते हैं हम लोग, गन्ना से भी, मतलब ईस्ट से भी जो है एथेनॉल का प्राप्ति किया जा सकता है। इस तरह से आगे है कि वुड स्पिरिट कहा जाता है, मतलब किस रसायन को वुड स्पिरिट कहता है। वुड मतलब तो हम जानते हैं, वुड मतलब लकड़ी होता है, तो वुड स्पिरिट किस रसायन को कहता है, तो इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। इस तरह आगे का क्वेश्चन है और बहुत ईजी है कि CH3OH किस रासायनिक, इसका रासायनिक सूत्र है CH3OH, तो यह है क्या है, मिथाइल अल्कोहल का। इस तरह है टेफ्लॉन का समान नाम क्या है, टेफ्लॉन जो होता है उसका समान नाम क्या है, तो ये जो है पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम होता है पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन। इस तरह आगे है कि टेफ्लॉन क्या है, मतलब टेफ्लॉन क्या है, तो ये फ्लोरोकार्बन है, टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरोकार्बन है। इस तरह आगे है फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। चूंकि अभी गर्मियों का सीजन है और आम जो है इसका एक उदाहरण है, इस रसायन का यूज करके आम को बहुत धड़ल्ले से मार्केट में बेचा जा रहा है, पकाया जा रहा है। तो दो रसायन है, एक है कैल्शियम कार्बाइड और दूसरा है एसिटिलीन। इससे जो है आप आसानी से फलों को पका सकते हैं। फिर आगे उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन है, मतलब कृत्रिम रूप से फलों को कौन सी गैस है जिससे हम लोग पका सकते हैं, तो वो है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस से फलों को कृत्रिम रूप से पका सकते हैं। तो ये छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, मैंने बताया, आप इसे ध्यान से देखें। थैंक यू वेरी मच।